नदियों के जल को सूखने से बचाना होगा, पेड़ों को कटने से बचाना होगा। प्रदूषण के दानव की शक्ति बढ़ रही है, इसे हर हाल में हमें सबको मिलकर घटाना होगा। जल प्रदूषण पर 250 शब्दों का निबंध। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज़ों में से एक है जल। वर्तमान समय में धरती पर जल प्रदूषण लगातार तेजी से वृद्धि कर रहा है और धरती पर लगातार जल प्रदूषण बढ़ने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती जा रही हैं। जल प्रदूषण के कारण सभी जीव तो बहुत ही प्रभावित हो रही है, जिसके कारण अनेक ऐसी जातियां हैं जो कि विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी हैं। मनुष्य की बढ़ती गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो रहे जहरीले प्रदूषक पदार्थों को समुद्र में ही विसर्जित किया जाता है, जिसके कारण धरती पर पीने योग्य जल केवल 0.01% ही शेष रहा है। आने वाले समय में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मनुष्य को जल को एक निश्चित मात्रा में और निश्चित कीमत पर खरीदना पड़ेगा। जल प्रदूषण कई स्रोतों के माध्यम से प्रदूषित हो रहा है, जैसे औद्योगिक अपवाह, शहरी अपवाह, कृषि उर्वरक अपशिष्ट भौरा क्षेत्र से होने वाला निश्चल एवं मानव की अन्य गतिविधियों के द्वारा। इस धरती पर बहुत से ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु यदि कुछ क्षणों के लिए भी उन्हें जल ना मिले तो अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे और उनका जीना मुश्किल होने लगेगा। उसी का उदाहरण हम मनुष्य भी हो सकते हैं। मानव की गतिविधियों के बढ़ने के कारण जल की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में जल की कमी हो सकती है और मानव जीवन खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर भारी प्रयासों के साथ जल की बचत करनी होगी और जल प्रदूषण को जल्द से जल्द रोकना होगा। इसी के साथ हमारा निबंध यही समाप्त होता है। अगर आपको ये निबंध वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।